हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर, राज्यपाल जो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, जो डॉक्टर भीमराव के बनाए हुए संविधान की कसम खाने के बाद उनको योद्धा मिलता है। उन्होंने कहा कि उद्धव जी क्या सेक्युलर हो गए हो, क्या आपने हिंदुत्व को छोड़ दिया है। इस तरह की बात अगर गवर्नर कर ले जाएं और इसी तरह का काम अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस करने लग जाएं तो फिर मतलब क्या होता है संविधान का। यानी सेक्युलरिज्म का मजाक उड़ा रहा है गवर्नर, एक शर्म आना चाहिए। ये जो सावरकर ने हिंदुत्व की जो शुरुआत किया था और मुल्क के लोगों को बांटने की जो नफरत फैलाई थी कि जो लोग हिंदुत्व का मतलब ये सब कहते थे वो, कि जो लोग इस मुल्क में पैदा हुए हैं और उनका होली प्लेस, उनके मजहबी मकामात, रिलीजियस प्लेसेस अगर हिंदुस्तान में है जहां वो पैदा हुए हैं, होमलैंड एंड मदरलैंड अगर यहां है तो वो हिंदुत्व के लोग हैं, और जिनकी जिनका होम जिनका मदरलैंड यहां है लेकिन उनका होली लैंड जो बाहर दूसरे मुल्कों में है, जैसे क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, वो इस मुल्क से उनको अलग करने की बात करते हैं। और अगर गवर्नर इस तरह की बात करेगा तो मुझे लगता है कि बहुत अफसोस की बात है। मैं आज डिमांड करता हूं ताकत के साथ कि भगत सिंह कोश्यारी को तुरंत इस कुर्सी को छोड़कर हट जाना चाहिए, और नहीं हटते हैं तो उनको हटा देना चाहिए। ये मेरी डिमांड है। मैं अबू आसिम आजम।